आप हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर बहुत अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें और इस पर कमेंट भी करें। आज द्वारका सेक्टर 18 स्थित वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में वर्ल्ड किडनी डे मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल पीपी वर्मा की अगुवाई में उनकी टीम ने वहां पर एक टॉक रखी, जिसको कि सुनने के लिए काफी अच्छी संख्या में लोग वहां आए थे, और ये सब लोग अलग अलग RWA NGO से थे। और उसके साथ साथ इस मौके पर कुछ ऐसे भी लोग आए हुए थे जो अपने किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, और उन्होंने वहां आकर अपने एक्सपीरियंस लोगों से शेयर किया। इस कार्यक्रम के दौरान हॉस्पिटल की मैनेजमेंट के साथ साथ मिसेस गुंजन सिन्हा, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल की, वो भी मौजूद रही, और उन्होंने इस मौके पर वहां पर आए उन सभी लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने किडनी डोनेट की थी, उसके साथ साथ जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया था। Nityanandini, one of its kind authentic Kerala Ayurvedic Panchkarma Center in Dwarka. Ayurvedic doctor is also available for consultation. Experience the healing. Dwarka Sector 10 में Aluwalia Contracts के द्वारा Muthoot Hospital को बनाया जा रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर 4 से लेकर 10 तारीख तक एक सेफ्टी अवेयरनेस वीक मनाया गया, और इस वीक के दौरान वहाँ पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए, जिससे कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको मोटिवेट किया जा सके कि वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। और इसमें 10 तारीख को इन अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले जो कर्मचारी थे उनको पुरस्कार देके सम्मानित किया गया। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बनें। आज हम आपको एक सर्विस लेन के बारे में बता रहे हैं, जो कि शिवानंदा योगा सेंटर के सामने है, और DAV स्कूल सेक्टर 6 का पीछे का भी एक गेट यहाँ खुलता है। इस सड़क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्द से जल्द दुरुस्त कराएं। आप लोग हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है। इसी तरह सुनते रहें और देखते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।